फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उड़ाने वाले मैन्स काइट्स, मतलब दोस्तों आदमी की शेप में जो पतंग बनी हुई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी, मैं दिखा देता हूँ ये वाली पतंग, और मैंने आपके काइट कलेक्शन में भी दिखाया था ये वाली पतंग। तो इसे दोस्तों फर्स्ट टाइम उड़ाऊंगा, मैंने कभी पहले उड़ाई नहीं है ये वाली पतंग। सो पहले तो आपको मैं पतंग दिखा दूँ दोस्तों, ये देख सकते हो इन्होंने छोटे छोटे पतले पतले, ये इसकी डंडी है, मतलब ये थोड़े नॉर्मल है, देख सकते हो। ये इसके पैर है, इसमें दोस्तों तीन डंडी जा रही है टोटल, और इसमें कमान को मिला के हो गए चार। तो फ्रेंड देख सकते हो, ये कमान एक ही, दूसरी ठड्डा और तीसरी, देख सकते हो दोस्तों ये लंबे लंबे लगी पड़ी है, ये थोड़ी नॉर्मल लचक है। तो फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ, एक कन्ना हम बांधेंगे इसमें, फिर दूसरा कन्ना बांधेंगे हम इस साइड, मतलब इससे नीचे नहीं बांधेंगे दोस्तों, इस साइड बहुत है। तो चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले करेंगे इसमें छेद। छेद दोस्तों आपको कहाँ करना है, इसे दोस्तों मैं भी उड़ाऊँगा, और ये पतंग उड़ती भी है, ऐसे बात नहीं कि खाली 100 पीस के। तो हम करेंगे इनमें छेद, फिर हम बांध देंगे इसमें, यहाँ पे दोस्तों बहुत है, हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया छेद। तो देख सकते हो इधर से दोस्तों सिल्वर है, फिर दोस्तों हम बांध देंगे इसमें सद्दी के लिए कन्ने। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने सिंगल ले रखी है सद्दी, और आगे से डबल करा हुआ है, आप चाहे तो दो बार घुमा के इसे चार बार भी कर सकते हो, बट हम बांध देंगे इस साइड। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कन्ने इस साइड से बांधने, जैसे कि आपको पता ही होगा, इस साइड से बांधने, उल्टी साइड से। तो हम बांध देंगे पहले कन्ने, इधर से घुसा के इधर से, आप दोस्तों डबल करके ही बांध सकते हो, बट मैं तो सिंगल बांध रहा हूँ, डबल सिंगल, आप चार बार भी कर सकते हो डबल बार घुमा के, जिससे देर तक कन्ने चलेंगे, मतलब गोल नहीं होंगे। ये हमने इसमें बांध लिए कन्ने, ये तो हो गए दोस्तों आगे के। फिर हम हमेशा इधर फोल्ड करेंगे पीछे के कन्ने के लिए। अब हम इसको बांधेंगे ऐसे कन्ने, इस तरीके से दोस्तों। ये तो हो गए दोस्तों कन्ने। फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अब इसका बांध देंगे हम जो फेटा जो होता है वो बांध देंगे, फिर मैं छत के, आपको छत पे चल के उड़ा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप नाप से भी बांध सकते हो ऐसे करके, ऐसे करके, बट हमें तो अपना अंदाजा होता है, तो इस वजह से हम ऐसे ही बांध सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो आगे से ऐसे दिखी होगी पतंग कन्ने के बाद, यहाँ पे एक हमने बांधा है, हमने एक यहाँ पे बांधा है कन्ने, और एक हमने बांधा है यहाँ पे, तो देख सकते हो दोस्तों गर्दन पे और एक पेट पे इसके। तो अब दोस्तों पतंग हो गई हमारी रेडी, अब हम इसको छत पे चलते हैं उड़ाने। और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें हम यूज करेंगे पतली सद्दी, जो कि ये पतंग हल्की होते है, इस मारे पतली सद्दी इसको यूज करेंगे। तो चलो दोस्तों अब इसे उड़ाते छत पे चल के। हमने इस पतंग के बांध लिए है कन्ने, जैसे कि आप देख सकते हो, एक साइड मैंने डाल दिया और एक साइड यहाँ पे, और ये है हमारी चरखी। ये मैं बता दूं दोस्तों पतली सद्दी है, क्योंकि दोस्तों पतंग हल्की होती है, इसे लटके के नहीं जाता, जैसे कि आप देख सकते हो पतली सद्दी है। तो इसी से अब हम उड़ाने वाले, तो अब चलो मैं उड़ा के दिखाता हूँ, और देख सकते हो वही वाली पतंग है, आदमी वाली। तो चलो दोस्तों अब इसको उड़ा के देखते हैं। सो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरे से तीन बार मतलब गिरी थी, समझो तीन बार गिरी, मतलब दोस्तों ये जल्दी नहीं उड़ी थी, और हवा तेज थी, इस मारे मैंने तरीका देख रहा था किस तरीके से उड़ेगी। तो दोस्तों हवा तेज थी, मैंने बस हल्के हल्के ढूंके दिए, मतलब बिल्कुल हल्के हल्के, देख सकते हो दोस्तों बार बार गिर जा रही थी। ये दोस्तों उतना आसान नहीं उड़ाना जितनी नॉर्मल पतंग है, क्योंकि इसका बैलेंस संभालना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हल्के हल्के ढूंके दे रहा था, और ये हवा में ही उड़ेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। लेकिन बट दोस्तों उड़ने के बाद ये बिल्कुल पतंग की तरह चल रही थी, एकदम सीधी। तो देख सकते हो दोस्तों ऐसा लग रहा डांस कर रहा है बंदा, लेकिन मैं दोस्तों हल्के हल्के ढूंके मार रहा था। ये देखो फ्रेंड्स, अब हमारी पतंग लग चुकी है हवा, और रॉकेट की तरह जा रही है, देखो फ्रेंड्स सद्दी ऐसे खींच रही है, और ये दोस्तों पतंग बहुत भारी हो गई, मैं सोचा था हल्की होगी, बट ये हवा लगने के बाद डबल भारी हो गई। तो देख सकते हो दोस्तों ढूंके मैं कैसे मार रहा हूँ अपनी एक उंगली से,
क्योंकि दोस्तों इसका बैलेंस नहीं ले पाते है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फाइनली हमारी पतंगें उड़ चुकी है और एकदम सीधी चल रही है। दोस्तों मैं ये पतंग फर्स्ट टाइम उड़ा रहा हूँ, ये देखो फ्रेंड्स खींच मारो तो दोस्तों एकदम सीधी चल रही है। देखो फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है उड़ाने में। सो दोस्तों मुझे अलग ही मज़ा आ रही वाली पतंग उड़ाने में और देख सकते हो मैं डांस करा रहा हूँ इसको, इसके लेग हिल रहे और ये दोस्तों हवा में उड़ेगी ये पतंग। जैसे कि अभी हवा तेज है तो इस मारे उड़ गई, बिल्कुल मैंने हल्के हल्के ढूंके दिए थे और अब मैं आपको खींच मार के दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स बिल्कुल सीधी चल रही है जैसे हमारी नॉर्मल पतंगें चलती है, बिल्कुल सीधी। सो दोस्तों इसे उड़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है और हवा तेज थी दोस्तों इसलिए ये उड़ भी गई। तो देख सकते हो मैं खींच मार के आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स बिल्कुल सीधी चल रही है और आवाज़ आ रही है पन्नी की। देखो फ्रेंड्स बिल्कुल सीधी चल रही है एकदम पास से। ये देखो फ्रेंड्स मैं और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो अब दोस्तों मैं दो कोशिश करूँ उसको नचाने की। ये देखो फ्रेंड्स इसके पैर देखना, डुमके देता हूँ तो हिलते हैं इसके पैर। ये देखो ऐसा जैसे नाच रही है, ये नाच रहा है क्योंकि दोस्तों मैं डुमके दे रहा हूँ तो इसके पैर हिल रहे, ऐसा लग रहा है नाच रहा हो जैसे डांसिंग कर रहा हो। और मेरे दोस्तों आसपास के बच्चे भी देख रहे हैं जो छतों पे लेडीज़ वेडीज़ है, लॉकडाउन है तो कम घूमते हैं बाहर, मतलब लॉकडाउन तो है नहीं तो छत पे बैठो तो ये सारी पतंगों को देख रहे हैं कि उड़ क्या रही है। सो देख सकते हो दोस्तों आसपास कोई है नहीं, वरना आप इससे मंजे से उड़ा के मैं आपको लड़ा के भी दिखाता। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बिल्कुल मज़ा आ रहा है और ये नॉर्मल आपको ढूंढ के देने। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब थोड़ा स्लो मोशन में भी आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो किस तरीके से उड़ी स्लो मोशन में, अलग ही मज़ा आ रहा था।